हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। आज मैं आपके साथ एक चॉकलेट रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितने यम्मी दिख रहे हैं। ये चॉकलेट रोल बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। ये झटपट से सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ये झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दिखने में भी कितने यम्मी दिख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इसकी रेसिपी। आज हम चॉकलेट बिस्किट रोल बनाएंगे। बच्चों के फेवरेट चॉकलेट बिस्किट रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में मैं यहाँ पर ये फीके बिस्किट ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12 से 13 पीस, अगर वजन में देखो तो 50 ग्राम के आसपास ये मैंने बिस्किट लिए हैं। अब हम इसके यहाँ पर पीसेस कर लेंगे। ये रोल बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। अब हम इस तरह से छोटे छोटे रफली यहाँ पर बिस्किट के पीसेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये बिस्किट के पीसेस कर लिए हैं। हमको बिल्कुल यहाँ पर ही छोटी साइज ही रखना है, बड़े बड़े आप नहीं रखिएगा। आप देख सकते हैं हमको इस तरह से ये बिस्किट को छोटा छोटा करना है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 4 अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आपका थोड़ा सा भी ड्राई लगता हो तो आप थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क और ऐड कर सकते हैं और इस तरह से पूरा मिक्सचर रेडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये फॉइल पेपर लेंगे। आप यहाँ पर फॉइल पेपर या प्लास्टिक रैप कुछ भी ले सकते हो। अब ये जो हमने रेडी किया था वो मिक्सचर इस पर डाल देंगे। और एक रोल बना लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए हम एक अच्छे से रोल बना लेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप हो तो आप प्लास्टिक रैप ही लीजिएगा, उससे अच्छे से रोल बन जाएगा। अभी मेरे पास प्लास्टिक रैप है नहीं तो इसलिए मैं ये फॉइल पेपर ले रही हूँ। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्लास्टिक सॉफ्ट होता है तो आराम से हो जाता है। तो इस तरह से हम पूरा अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। हमने ये रोल को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको फॉइल पेपर से अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये शुगर पाउडर छिड़क देंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम इसकी शुगर पाउडर की कोटिंग कर लेंगे। अब हम इस पेपर को यहाँ पर साइड में रखेंगे। ये हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसकी गोल गोल कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, चाकू हमको यहाँ पर शार्प लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये चॉकलेट रोल बनकर रेडी हो जाते हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।